नमस्कार साथियों, आपका एग्री एक्स वाई जेड पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर की कुछ क्वेश्चनों के बारे में। इसमें हमने क्वेश्चन उसी प्रकार बनाया है जिसका जो हम अच्छे से क्या कर सकें, उसको डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है। इसको जो है चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर टेट्राप्लॉइड वीट। मतलब हमें इसमें से ये बताना है, इसमें से वीट की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो है टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा ट्रिटिकम डाइकोकम। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये जो है हमारा जो है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। ठीक है, और ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है डिप्लॉइड स्पीसीज है वीट की। ठीक है, उसके बाद बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम की। ट्रिटिकम एस्टिवम की लगभग जो है 87% एरिया है, और जो है इसको जो है मैक्सिकन वीट भी कहते हैं, और इसका जो है चपाती मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, वीट की क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो वीट का क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=42, यानी कि हेक्साप्लॉइड। मोस्टली अगर आपसे ट्रिटिकम, अगर आपसे वीट का कोई बॉटनिकल नेम पूछता है तो आप जो है ट्रिटिकम एस्टिवम ही बताएंगे। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करने वाला स्पीसीज कौन सी है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, फिर बात करें ट्रिटिकम स्फेरोकोकम की। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को जो है इंडियन ड्वार्फ वीट कहते हैं, और इसको जो है क्लब वीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ इपिजिनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें हमको ये बताना है कि जो इपिजिनेसिस का कंसेप्ट है वो इसमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा ओल्फ होगा। ठीक है, फोर्थ वाला हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक है, बात करें फेयर चाइल्ड की। फेयर चाइल्ड जो है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया था इन्होंने डायंथस और बीच में क्रॉस करा के। ठीक है, इन्होंने क्रॉस कराया था डायंथस कैरियोफिलस और डायंथस बारबेटस के बीच में जो है सबसे पहले क्रॉस करा के इन्होंने जो है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया था। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटसन की। बेटसन जो है सबसे पहले जो है जेनेटिक टर्म दिया था, और आपसे पूछेगा अगर जेनेटिक्स के फादर कौन है तो आप बताएंगे जीजेम, यानी कि मेंडल है। ठीक है, और इन्होंने बेटसन ने क्या दिया था, टर्म दिया था। ठीक, और वुल्फ ने जो है इपिजिनेसिस कंसेप्ट दिया था। ओके, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, निपिंग इज अ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ विच क्रॉप। यानी कि निपिंग जो है एक प्रैक्टिस है जो है कौन से क्रॉप में अपनाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपका होगा चिक पी, पीजन पी, ग्राउंड नट और आल ऑफ दीज। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर होगा चिक पी। ओके, चिक पी की बात करें तो चिक पी जो है एक जो है देसी चिक पी होता है, यानी कि देसी चना होता है, एक जो है काबुली चना होता है। ठीक है, जो काबुली चना होता है उसका जो है वेजिटेटिव नेम होता है, और चिक पी जो है देसी चना बोलते हैं। ठीक है, तो चिक पी हो गया, पीजन पी और ग्राउंड नट, इसमें आपका राइट आंसर होगा चिक पी। ओके, चिक पी की बात करें तो देसी चिक पी जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है सीसर एडिटिनम। ठीक है, और इसका जो है ओरिजिन प्लेस जो है साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक, और चिक पी, देसी चिक पी का जो टेस्ट वेट होता है 160 ग्राम से 259 ग्राम तक होता है। ठीक है, इसका टेस्ट वेट। ठीक, और जो इसका क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो देसी चना का जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=14 होता है, और इसके बाद से एक चना और होता है काबुली चना जिसे व्हाइट चना के नाम से जानते हैं, इसका जो है सीसर काबुलियम इसका साइंटिफिक नेम होता है, और इसका अगर क्रोमोजोम पूछेगा आपसे तो इसका क्रोमोजोम होता है 2n=16। ठीक है, और उसके बाद से बात करें पीजन पी की। ठीक है, चिक पी की कुछ वैरायटी के बारे में आप जो है डिस्कस कर लेते हैं। चिक पी में जो है एक वैरायटी है, छोड़िए याद नहीं आ रहा, पीजन पी पे चलते हैं। ठीक है, अवरोधी चिक पी की एक ऐसी वैरायटी है जो कि विल्ट रेजिस्टेंट है। ठीक, बात करते हैं पीजन पी की। पीजन पी को जो है, पीजन पी का कॉमन नेम जो है तूर है, इसे जो है अरहर भी बोलते हैं। ठीक है, रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो है क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=42। पीजन पी की दो स्पीसीज हैं। ठीक है, कजानस कजान इसका साइंटिफिक नेम नहीं आता। बात करते हैं पीजन पी की। तो पीजन पी के जो है ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है, और क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=22 है। ठीक है, इसकी न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें जो अक्सर पूछता है तो 25% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है कजानस कजान फ्लेवस और कजानस कजान। कजानस कजान के दो स्पीसीज हैं, एक कजानस कजान फ्लेवस है और कजानस कजान बाइक्लोर है। ठीक है, इसकी ओरिजिन प्लेस हमने बताई दिया। न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आते हैं, लगभग इसमें 25% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। फिर पीजन पी की कुछ वैरायटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एक
कुपास 120 जो कि जो है सबसे अर्ली मैच्योर वैरायटी है और इसका सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी जो था ICPH8 था जो कि क्रिस सेट ने सबसे पहले रिलीज किया था। ठीक है, पिजन पी की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है मुक्ता जो कि विल्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसकी वैरायटी है पंथ A1, पंथ A2। ठीक है, ICPL15 भी पिजन पी की वैरायटी है। ठीक है, मुक्ता याद रखिएगा, ICPH8 याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है ICPH8 जो था फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी था जो कि क्रिस सेट ने निकाला था। क्रिस सेट कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट की बात करते हैं तो ग्राउंड नट का जो विजिटेटिव नेम होता है वो होता है एरकिस हाइपोजिया। ठीक है, इसके दो स्पीसीज हैं, एक फैलने वाली होती है और एक जो है बंच टाइप होती है। ठीक है, तो बंच वाली जो होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है एरकिस हाइपोजिया ग्राउंड नट की जो बंच टाइप जो होती है स्पीसीज उसका नाम जो है एरकिस हाइपोजिया फस्टिगाटा है, और जो जो फैलने वाली होती है उसका उसका जो वेजिटेटिव नेम होता है एरकिस हाइपोजिया प्रोक्यूम्बेंस होता है। ठीक है, इसकी ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस है ब्राज़ील। ओके, इसका जो है इसमें पूछता है न्यूट्रिएंट, तो इसमें जो है 26% जो है इसमें प्रोटीन होता है और जो है लगभग 45% इसमें क्या होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो है मेजर किंग ऑफ वेजिटेबल आयल के नाम से भी जाना जाता है। ग्राउंड नट को जो है किंग ऑफ वेजिटेबल आयल के नाम से भी जानते हैं। दलानी फसलों से अक्सर जो है न्यूट्रिएंट ही पूछा जाता है, तो न्यूट्रिएंट आपको याद रखना है। चिक पी में जो है प्रोटीन की बात करें तो चिक पी की 21.1% प्रोटीन होता है, कहीं कहीं 21% भी आपको मिलता है, तो भी आपका जो है सही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और चिक पी जो है ब्लड प्यूरीफायर में भी हेल्प करता है। ठीक है, पिजन पी का न्यूट्रिएंट हमने बता दिया, पिजन पी में जो है 25% तक जो है प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसकी आपने वैरायटी याद रखना है। और ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट में जो है आपको ये साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, कौन सी फैलने वाली है और कौन सी बंच टाइप है। ठीक है, उसके बाद से मेजर वेजिटेबल आयल है, ओरिजिन प्लेस इसका ब्राज़ील है। ठीक है, न्यूट्रिएंट याद रखना है, 26% इसमें प्रोटीन होता है और 45% इसमें क्या होता है आयल होता है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रूट टाइप्स ऑफ सपोटा। इसमें हमको ये बताना है कि जो सपोटा होता है उसका फ्रूट टाइप क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बेरी। बेरी क्या होता है, फ्रूट टाइप होता है सपोटा का। बेरी इसके अलावा बनाना का भी होता है, गुआवा का होता है, ठीक है, एरिका नट का होता है बेरी। ओके, फिर ड्रूप की बात करें तो मैंगो हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया, बेर हो गया। ठीक है, उसके अलावा कोकोनट, कॉफ़ी, चेरी, ये सब जो है फ्रूट टाइप इनका जो है क्या होता है, ड्रूप होता है। ठीक है, कैप्सूल की बात करें तो आंवला और उसके साथ साथ कैरमबोला, आंवला और कैरमबोला का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैप्सूल होता है, और पेपो जो है वाटरमेलन का जो फ्रूट टाइप होता है वो पेपो होता है, पेपो होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रॉपिकल फ्रूट। मतलब हमें इसमें से ये बताना है कौन ऐसा फ्रूट है जो कि ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा मैंगो भी ट्रॉपिकल फ्रूट है, बनाना भी ट्रॉपिकल फ्रूट है, और प्रसीमन भी ट्रॉपिकल फ्रूट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉपिकल फ्रूट आपका पाइनएप्पल होता है, कोकोनट होता है, गुआवा भी होता है। ठीक है, उसके बाद जैक फ्रूट भी आपका ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। ओके, फिर इसमें जो है आपको बता देते हैं टेम्परेट फ्रूट कौन कौन से होते हैं। तो टेम्परेट फ्रूट आपका जो है एप्पल हो गया, पियर, पीच, प्लम और जो है स्ट्रॉबेरी, एलमोंड। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, आपके टेम्परेट फ्रूट हैं। ठीक है, इसके साथ पांच ही क्वेश्चन थे जिसका हमें अच्छे से बताना था, डिफाइन करना था, जो कि हमने कर दिया है लगभग। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।